नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान द नॉलेज में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि फंसा हुआ धन वापस लेने के लिए एक खास उपाय, जो कि बहुत ही सरल है और इसके लिए आपको कोई पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। और ये उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनको मैं इस विषय पर पहले भी एक वीडियो डाल चुका हूँ। तो उन लोगों का सवाल है कि उनके उधर, मैंने इस उपाय में बताया था कि काली माता और ये भैरव मंदिर, उनका जिक्र था उपाय में कि वहाँ ज़रूर जाना है और उनके सामने ये उपाय करना है। तो उनके उधर काली माता और भैरव का मंदिर नहीं है, तो इसलिए आज दूसरा उपाय इसका बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुने, उपाय बहुत सरल है। यदि आपकी रकम कहीं फंस गई है और पैसे वापस नहीं मिल रहे, या आपने, अगर आप एक दुकानदार हैं और किसी को उधार दिया हुआ है माल और वो पेमेंट ना नहीं कर रहा है, पैसे देने की उसकी नीयत नहीं है वापस, तो ये आसान सा उपाय है। इस उपाय को आप ज़रूर करें। इसके लिए आप रोज़ सुबह नहाने के पश्चात सूरज को जल अर्पण करें और उस जल में 11 बीज लाल मिर्च के डाल दें और सूर्य भगवान से पैसे वापसी की प्रार्थना करें। इसके साथ ही ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करें। और इस उपाय को करने के लिए आस्था और विश्वास का होना बहुत जरूरी है। जैसे पहले बताया गया था कि जब भी आप प्रार्थना करें तो आंखें बंद ही रखें और उसमें जो प्रार्थना की गई है, कि सूर्यदेव को जो प्रार्थना कर रहे हैं हम, उस प्रार्थना करने के पश्चात, उस प्रार्थना की वजह से भगवान सूर्यदेव ने हमारी इस प्रार्थना को कबूल किया है, स्वीकार किया है, और जिसकी वजह से भगवान सूर्यदेव की कृपा से ये फंसा हुआ धन जो है, वो पैसे, वो धन हमको वापस मिल रहा है। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को दिया है, वो व्यक्ति हमें वो धन वापस लौटा रहा है और वो धन हमें मिल रहा है और उसकी हमें बहुत खुशी हो रही है। और इस खुशी को प्रेजेंट टाइम में महसूस कीजिए कि वाकई धन आपको मिल गया है और आप बहुत खुश हैं। ये उपाय आप रोज करें जब तक धन की प्राप्ति ना हो, तो ये उपाय बहुत कारगर है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी खास जानकारी। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार।